Hello dear children of grade 1. Yesterday we did an activity on floating and sinking and we collected some objects to know about that which thing will be floating and which thing will be sinking in the water. For that dear children, I am continuing the experiment. I asked to you to do the experiment. And now I will show you that how does it happens. So please listen it carefully. Dear children, I have collected some objects. You can see here that there is one spoon, then plate, then one paper is there, piece of paper, then one stick is there, and one spoon which is made up of steel. And that the before one is made up of the plastic. One glass is there, one stone is there, and a paper ball is there. You can also take the marble balls also, and I have taken one coin. Many things you can take and you can do experiments with these which are around you, but I have taken these ones to show you the concept of floating and sinking. So dear children, let us start with a tub of water. So you can see that this one is the tub of water, right? This one is the tub of water. And now I am keeping things one by one and you have to tell me that this thing is floating or sinking. Fine. So let me start with what? Guess. At first I am putting this pen in the water. So dear children, this is the pen which is made up of plastic. You can see, is it floating or is it sinking? Look, float means the thing which is on the surface of water. जो चीज पानी के ऊपर सतह पे रुक गई है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग. और यदि कोई चीज पानी में ऐसे सिंक कर जाती है, मींस नीचे चली गई, सरफेस से नीचे चली गई है, उसके बेस में चली गई है, जो भी पानी का सोर्स है, तो हम उसे बोलते हैं सिंकिंग. फाइन. नाउ यू कैन एक्सपेरिमेंट विद द पेपर बॉल. दिस इज द पेपर बॉल. इज इट floating or sinking? Yes dear children, yes, this is floating. You can see. Now I am putting this coin. This coin has sank. Now I am keeping this fork over the water. Oh, it has sinked. ये फोक जो है ना, ये मैंने रखी पानी के ऊपर, तो पर ये नीचे चलेगी, डूब गई है. इस डूबने को हम सिंकिंग कहते हैं. जबकि जो पेपर बॉल थी, ये क्या कर रही थी? ये फ्लोट कर रही थी और अभी भी फ्लोट कर रही है. ठीक है. तो सम थिंग्स गेट सिंक इन द वॉटर, बट सम थिंग्स फ्लोट ओवर द वॉटर और फ्लोट ऑन द वॉटर. इन एंड ऑन, किसी के चीज के अंदर तो किसी चीज के ये ऊपर, ऑन द वॉटर. ओके. नाउ आई एम टेकिंग वन पीस ऑफ पेपर एंड आई हैव केप्ट इट ओवर हियर. लुक, दिस वन इज ऑल्सो, यस डियर चिल्ड्रेन, दिस वन इज ऑल्सो फ्लोटिंग ओवर द सर्फेस ऑफ वॉटर. इन द सेम वे आई एम टेकिंग दिस प्लेट, इट इज ऑल्सो फ्लोटिंग ओवर द water. So some things get sink in the water, but some things float over the water. What is the reason behind that? Look, ये जो spoon थी, इसने जो पानी हटाया, वो इसका जो area है, ये जो area है, इसका size जो है, उससे इसका size आपको नजर आ रहा है कि इसके बजाय कम है ना, तो ये कम पानी हटाएगा क्योंकि इसका साइज जो है, इसका जो एरिया जो ये कवर करता है,
वो छोटा है, तो क्योंकि इसने पानी भी कम हटाया होगा जब ये नीचे की तरफ गई होगी, जब हमने इसको ऊपर रखा तो इसने पानी थोड़ा सा कम हटाया इसकी बजाय, प्लेट की बजाय, क्योंकि इसका एरिया मीन्स इसका जो साइज है वो छोटा है। ठीक है, तो ये जो खुद में जो ये स्पून थी ये भारी हो जाती है किसके कंपैरिजन में, जो पानी हटाया। सो द वाटर वेट विच इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस थिंग इज लेस देन द वेट ऑफ दिस स्पून इटसेल्फ, इसके वजन से वो कम है इसलिए डूब गई। अब जो ये प्लेट है ना, ये जो पानी हटा रही है वो ज़्यादा पानी हटा रही है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है जो ये सरफेस एरिया कवर कर रही है। तो क्योंकि ये पानी ज़्यादा हटा रही है तो पानी जो है वो भारी है, उसकी बजाय ये क्या हो गया, अब ये हल्की हो गई है, दैट्स वाई इट इज़ फ्लोटिंग। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो इसका साइज है वो छोटा है जबकि जो पानी हटाया वो कम है। ठीक है, जो साइज छोटा है तो पानी हटाया वो कम है जबकि इसका वेट स्पून का भारी है, ज़्यादा है। ये जो प्लेट पानी हटा रही है वो पानी ज़्यादा है मीन्स पानी का वजन ज़्यादा है जबकि प्लेट का वजन उसके कंपैरिजन में कम है। तो जिसका वजन कम है वो चीज़ ऊपर तैरती रहती है और जिस चीज़ का वजन ज़्यादा है वो डूब जाएगी किसके कंपैरिजन में, जो ये पानी हटाते हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका फ्लोटिंग का और सिंकिंग का, जो कि आपकी इंग्लिश बुक में दिया हुआ है और कल हमने आपको करवाया था। ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एक्सपेरिमेंट एंड यू शुड ऑल्सो रिपीट दिस वन एंड यू हैव टू टेल मी दैट वॉट हैपन एंड वट थिंग्स यू हैव टेकन। आपने कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी की थी पानी के अंदर डालने के लिए और कौन सी चीज़ डूब गई और कौन सी चीज़ तैर रही थी, ये आप मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।